आप चौकिए नहीं, यहाँ ग्रामवासी नदी गहरीकरण में कोई श्रमदान नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई धार्मिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे तो नदी में सोने के सिक्के ढूंढ रहे हैं। मुगलों के जमाने के चार सिक्कों ने के प्रशासन को चक्रधंडी बना दिया। कुरावर ग्राम पंचायत सिपुरा आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीण भी अपने सारे काम धाम छोड़कर पार्वती नदी की तलहटी को छलनी करने पहुंच गए। हुआ यह कि राजगढ़ और सीहोर जिले की सीमा पर मौजूद सिपुरा और गणुपुरा गांव में पार्वती की तलहटी से सोने के सिक्के निकलने की अफवाह फैल गई। दो किसान पथरीली मुरम के लिए बीते रविवार को पार्वती नदी की तलहटी को खोद रहे थे। इसी दौरान उनको चार सिक्के मिले। यह सिक्के मुगल कालीन थे, उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। तांबे के यह सिक्के अफवाह के चलते सोने के हो गए। गड़ूपुरा और सीपुरा से निकलकर यह अफवाह आसपास के 12 गांवों में पहुंच गई। मामले की जानकारी शामपुर और राजगढ़ जिले के राजस्व अमले को भी लगी। शामपुर और कुरावर के पटवारी मौके पर पहुंचे। कुरावर और शामपुर थाना पुलिस भी खुदाई करने वाले ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ के चलते मौके पर पहुंची। खोजबीन की गई, लेकिन राजस्व अमले को कुछ नहीं मिला। हालांकि ग्रामीण इस अफवाह को सच मान रहे हैं और लगातार पार्वती नदी की तलहटी की खुदाई कर रहे हैं। हालांकि चार सिक्कों के बाद अब तक किसी के हाथ कुछ लगा नहीं है, लेकिन पार्वती नदी की खुदाई लगातार मुफ्त में हो रही है। इस मामले में ग्राम पंचायत शिवपुरा के सरपंच कालूराम वर्मा का कहना है कि कुछ मजदूरों को पुराने सिक्के मिले थे जो कि मुगल कालीन थे। अब इन सिक्कों की कोई कीमत नहीं है, इसके बावजूद आखिर क्यों ग्रामीण नदी पहुंच रहे हैं और नदी की तलहटी को खोद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इधर शामपुर थाना टीआई भवर सिंह भूरिया का कहना है कि यह सच है कि सिक्के मिले थे, लेकिन वह सोने के नहीं किसी और धातु के थे। ग्रामीणों को समझाइश दी गई है, इसके बावजूद वह सूखी नदी में खुदाई कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर जांच की है, राजस्व अमले को कुछ नहीं मिला है। शनिवार को भी काफी लोग नदी की तलहटी में खुदाई करते देखे गए। आदर्श न्यूज के लिए शामपुर से रवि पुष्पत की रिपोर्ट।